Hello friends, I am Neha and welcome back to my channel Tech Studies. So in this video, I will tell that how to generate a e-certificate for our quiz participant. तो इसमें मैं अपने पार्टिसिपेंट्स के लिए जो भी मेरे स्टूडेंट्स क्विज को अटेम्प्ट करेंगे उनके लिए डायरेक्टली एक सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा जो कि उनको ईमेल आईडी पर रिसीव हो जाएगा। तो आज के टाइम में सब कुछ ऑनलाइन स्टडीज चल रही है तो हमें अपने स्टूडेंट्स को अप्रिशिएट भी करना है, तो ये मेथड ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होगा और हमारे स्टूडेंट्स भी बहुत ज़्यादा अप्रिशिएटेड रहेंगे। तो लेट्स स्टार्ट एंड लेट्स चेक आउट विद द वीडियो कि ये हम कैसे कर सकते हैं कि हम ई सर्टिफिकेट अपने स्टूडेंट्स के लिए कैसे ऑटोमेटिकली जनरेट करेंगे। तो सबसे पहले मैं अपना ब्राउज़र खोल के एक अपना कोई भी क्विज ओपन कर लूँगी जो कि मैंने पहले से ही क्रिएट किया होगा। मैं उसी पर आपको सर्टिफाई एम ऐप यूज़ करके दिखाऊंगी कि कैसे वो यूज़ होगा, कैसे वो इंस्टॉल होगा। तो स्टेप बाय स्टेप हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें जाना होगा ये थ्री डॉट्स जो आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, हमें इसको क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यू विल फाइंड एन ऐड ऑन्स ऑप्शन, इस ऐड ऑन्स ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। व्हेन यू विल क्लिक ऑन दैट, आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसका नाम है जी सूट मार्केट प्लेस। यू विल स्क्रॉल डाउन तो आपको एक ऐप दिखेगा सर्टिफाई एम ऐप, इसको आपको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल बटन यहाँ से हम क्लिक करेंगे, देन इट वी हैव टू डू कंटिन्यू हेयर। जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो इट विल आस्क यू टू साइन इन विद योर गूगल अकाउंट, तो आपको यहाँ पर साइन इन करना है। साइन इन करने के बाद वो आपसे कुछ कंडीशंस मांगेगा कि आप इन सब चीज़ों को अलाउ करते हैं कि नहीं, तो आप इन सबको पढ़ लीजिएगा एक बार और यू हैव टू क्लिक ऑन अलाउ बटन। When you will click on the allow button, it will start getting installed. Now my certify M has been installed. I have to click on done. अब मेरा certify M install हो गया तो मैं इस window को close कर दूँगी। Now where you will find this app, ये आपको यहाँ पर मिलेगा इस add-ons button पर, this is a add-on button. यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर मैंने तीन ऐप को इसके साथ अपने फॉर्म के साथ लिंक किया है। ये दोनों फॉर्म लिमिटर और टीमीफाई मैंने आपको ऑलरेडी अपने पुराने वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि ये दोनों किस वर्क के लिए यूज़ होते हैं और कैसे यूज़ होते हैं। दोनों ही टाइमर लगाने के लिए यूज़ होते हैं अपने फॉर्म पेज पर। अगर आपने मेरे उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो आप देख लें, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा कि हम कैसे टाइम सेट करें। तो चलते हैं अपने सर्टिफाई एम ऐप पर, मेरे को इसको क्लिक करना है। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो यू विल फाइंड दीज ऑल ऑप्शंस। आपको यहाँ फर्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है, शो सर्टिफाई एम कंट्रोल्स पर। यू विल फाइंड वन डायलॉग बॉक्स, वन नेविगेशन पेन हेयर एट योर राइट साइड। आपको यहाँ पर दिख रहे हैं बहुत सारे ऑप्शन। आपको फर्स्ट ऑप्शन जो दिख रहा है इसमें आपको स्टेटस पर टर्न ऑन कर देना है। जब तक कि टर्न ऑन होता है तो मैं आपको बाकी चीज़ एक्सप्लेन कर देती हूँ इसमें क्या है। फर्स्ट आप यहाँ देख रहे हैं पासिंग। पासिंग मतलब कि स्टूडेंट के अगर 80% मार्क्स आ रहे हैं उस टेस्ट को सबमिट करने के बाद तो ही उसके पास वो फॉर्म, उसके पास वो सर्टिफिकेट रिसीव होना चाहिए, अदरवाइज़ नहीं रिसीव हो। ये यहाँ पर एक कंडीशन है, यहाँ सर्टिफिकेट यहाँ परसेंटेज दे रखी है। यहाँ पर रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड्स में क्या आप देखेंगे, सर्टिफिकेट रिकॉर्ड जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको एक एक्सेल शीट दिखेगी। इस एक्सेल शीट में आप उन सारे स्टूडेंट्स के नेम होंगे जिसने ये टेस्ट को अटेम्प्ट किया होगा, उनका टोटल स्कोर और सर्टिफिकेट की आईडी, जिस जिसको सर्टिफिकेट रिसीव हुआ है उन सब की आईडी, उन सर्टिफिकेट की आईडी यहाँ लिखी होगी और ये परसेंटेज स्कोर, उनका सारी डिटेल यहाँ पर आपको मिल जाएगी। अब यहाँ आते हैं टेम्पलेट। टेम्पलेट हमारे पास बहुत टाइप के सर्टिफिकेट हैं, आपने देखा होगा अलग अलग तरह के सर्टिफिकेट हमारे पास अवेलेबल होते हैं, तो ये अलग अलग तरह के टेम्पलेट्स हैं। आई थिंक दिस आर मोर देन इनफ टू गिव योर चाइल्ड फॉर अप्रिसिएशन। तो आप यहाँ से कोई भी टेम्पलेट ले सकते हैं। अगर आपको देखना है कि ये टेम्पलेट किस तरह का दिखता है तो आप यहाँ पर देखेंगे प्रिव्यू ऑल, तो आप यहाँ देख लेंगे कि ब्लैक फ्रेम किस तरह का है, ब्राउन किस तरह का है। ये सारे सर्टिफिकेट आप सैम्पल के रूप में देख लो कि जो भी आपको पसंद है फिर आप वहाँ से उसको जाके सेलेक्ट कर लेना। फॉर एग्जांपल आई लाइक दिस वन जिसका नाम है स्माइली रिबन, तो मैं जाऊँगी अपने पेज पर और मैं यहाँ से स्माइली रिबन को सेलेक्ट कर लूँगी। नाउ इट विल चेंज योर सेटिंग, अगेन इट विल गेट चेंज योर सेटिंग। उसके बाद हमें यहाँ पर कुछ और सेटिंग को भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर एडवांस ऑप्शन दिख रहा है आपको, इस पर मैं क्लिक करूँगी।
इसको क्लिक करने के बाद यू विल फाइंड वन डायलॉग बॉक्स। इस डायलॉग बॉक्स में हम वो सारी सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। लेट अस फाइंड व्हाट आर द सेटिंग्स इज गिवन ओवर हेयर। सबसे पहला है यहाँ पर मैसेज शोन अपॉन सबमिशन। जैसे ही बच्चा टेस्ट को सबमिट कर लेता है तो उसको क्या मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए, वो आप चेंज भी कर सकते हो। इट इज़ नॉट कंपल्शन कि आपको यही रखना है, बट आई थिंक दिस इज करेक्ट इन्फॉर्मेशन दैट आफ्टर सबमिशन व्हाट रिसीव्ड। उसके बाद यहाँ पर नेम ऑफ सेंडर कि किसने ये भेजा है, उसका नाम, और फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी आई डी डाल देती हूँ। यहाँ पर नेम ऑफ सेंडर डालना है तो मैं यहाँ पर फॉर्म डाल देती हूँ, जस्ट लाइक दैट। सब्जेक्ट, यहाँ पर क्या सब्जेक्ट डिस्प्ले होना चाहिए, जो ईमेल में उस स्टूडेंट को सर्टिफिकेट रिसीव होगा तो उसका एक सब्जेक्ट होता है, हर मेल का एक सब्जेक्ट होता है, तो वो सब्जेक्ट में उसको क्या विजिबल होना चाहिए, तो मैं यहाँ ई सर्टिफिकेट लिख देती हूँ। कंटेंट ऑफ द बॉडी, जो उस ईमेल की बॉडी होगी वहाँ तो एक सर्टिफिकेट तो लिंक होगा ही होगा, अटैच होगा ही होगा, उसके साथ वो हमें कुछ और उसको लिखकर भेजना है दैट यू हैव डन वेल। अगर हमें कुछ ऐसे सेंटेंस लिखकर देखने भेजने हैं तो हम लिख सकते हैं वेल डन। मैं यहाँ लिख देती हूँ वेल डन, कीप इट अप। तो ये भी उसको सर्टिफिकेट के साथ ये सेंटेंस उसको डिस्प्ले होगा उस मेल में। और यहाँ पर कुछ और सेटिंग हम कर सकते हैं, सेंड ईमेल एंड अटेम्प्ट फेल एग्ज़ाम। यहाँ पर ये ऑप्शन अगर मैं इसको चेक करती हूँ कि हर बच्चे को वो ईमेल भी मिल जाए कि आपने टेस्ट अटेम्प्ट किया है, कोई बात नहीं, तो ईमेल सब्जेक्ट क्या होगा कि अटेम्प्ट पे उसको क्या सब्जेक्ट आना चाहिए, जैसे कि हमने यहाँ ई सर्टिफिकेट डाला है तो ईमेल का क्या कंटेंट होना चाहिए ये हमने डाला है। तो अभी हम इसको नहीं चाहते कि उन बच्चों को भी मिले जो फेल हुए हैं, पीडीएफ के फॉर्म में मिले उसे या इमेज के फॉर्म में मिले। फॉर एग्जांपल मैंने इमेज सेलेक्ट किया है तो फाइल उसको इमेज के फॉर्म में मिलेगी, तो मैं यहाँ पर चेंजेस कर सकती हूँ, सेव चेंजेस। आपको पीडीएफ रखना है तो आप पीडीएफ भी रख सकते हैं। तो दिस आई हैव डन सेटिंग। नाउ अब आपको क्या करना है, अब आपको चेक करना है कि ये कैसे वर्क करेगा। स्टूडेंट जब सबमिट करता है तो उसको सर्टिफिकेट रिसीव होता है कि नहीं होता है, तो आप अपने इस फॉर्म को कैसे सेंड करते हैं स्टूडेंट के साथ वो आपको पता ही होगा स्टेप, वो भी मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया है। सेंड पर जाएंगे, या तो हम यहाँ से सबका ईमेल आईडी टाइप करके भेजें उनको, या फिर हम अपने ग्रुप में अपने ऑनलाइन क्लास में इस लिंक को शेयर करा दें, जैसे हम टेस्ट अटेम्प्ट कराना चाहते हैं, या फिर अपने व्हाट्सएप ग्रुप में अगर आप शेयर कराना चाहते हो तो आप ये लिंक यहाँ से शेयर करा दोगे। जैसे ही आप लिंक शेयर करा दोगे और बच्चा उस लिंक को क्लिक करेगा तो उसको अपना कुछ पेज ऐसा दिखेगा तो जो कि उसको यहाँ पर फिल करना है। तो बच्चा सबसे पहले अपनी ईमेल आईडी डालेगा, मैं यहाँ पर अपनी ही ईमेल आईडी डाल देती हूँ फ़िलहाल आपको दिखाने के लिए कि सर्टिफिकेट कैसा मिलेगा बच्चे के पास। यहाँ पर मेरा नाम आ जाएगा, उसके बाद मैं यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करूँगी, दूसरा ऑप्शन होगा मेरा फॉर एग्ज़ाम्पल दिस वन। अब सबमिट क्लिक करूँगी मैं, सबमिट क्लिक करने के बाद थैंक यू फॉर योर सबमिशन, आप यहाँ पे वही कंटेंट डिस्प्ले हो रहा है जो कि मैंने आपको वहाँ उस बॉक्स में एडवांस वाले बॉक्स में शो किया था। व्यू स्कोर, मैं अपना स्कोर देखूँगी, मुझे 2 of 2 मिले हैं, इसका मतलब मेरे पास सर्टिफिकेट रिसीव होना चाहिए मुझे, तो वो हम देखेंगे कि वो सर्टिफिकेट आपको रिसीव हुआ है कि नहीं हुआ है। तो चेक कर लेते हैं, मैं अपनी ईमेल आईडी खोल कर दिखाती हूँ आपको, जीमेल। आई हैव टू वेट लिटिल बिट, आई थिंक वो अभी तक मुझे रिसीव नहीं हुआ है, इट इज प्रोसेसिंग स्टिल, आई नीड टू वेट सम टाइम, मुझे वो सर्टिफिकेट अभी रिसीव नहीं हुआ। येस नाउ इट इज़ रिसीव्ड, तो आई रिसीव दैट सर्टिफिकेट। ई सर्टिफिकेट, यहाँ पे सब्जेक्ट का टाइटल आ रहा है क्योंकि मैंने सब्जेक्ट में ई सर्टिफिकेट लिखा था। अब मैं इसको अपने ईमेल को खोल कर देखती हूँ कि मेरे पास सर्टिफिकेट आया है कि नहीं आया है। सी दिस इज़ माई सर्टिफिकेट, अभी मैं इसको ओपन करके दिखाऊंगी। नाउ सी द टेक्स्ट विच आई हैव रिटन ओवर देयर, वेल डन, कीप इट अप। ये टेक्स्ट आप कुछ भी डिस्प्ले करा सकते हो ऑफ योर चॉइस। लेट अस ओपन दिस सर्टिफिकेट नाउ।
इस तरह का सर्टिफिकेट हर स्टूडेंट के पास जाएगा। अदर सर्टिफिकेट नाम अपने आप आ जाएगा उस बच्चे का, जो भी उसने अपना नाम लिखा होगा वहाँ पर, और उसके पास इस तरह का सर्टिफिकेट उसको रिसीव हो जाएगा अप्रिसिएशन के लिए। और आई थिंक स्टूडेंट को इतना ही चाहिए होता है कि अगर उसका काम अच्छा है तो उसको एक अप्रिसिएशन ज़रूर मिलना चाहिए। तो आई थिंक ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी अपने स्टूडेंट को अप्रिशिएट करने के लिए। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ जी, जिससे कि और लोगों को भी हेल्प मिले। और मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको वेट करना होगा। टिल देन, बाय बाय।